हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। अब बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट चल रही थी और उसमें हमने प्लाज्मिड जो एक नेसेसरी पार्ट है बायोटेक का, उसके बारे में पढ़ा था। और दूसरे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या होते हैं ये प्रतिबंधित एंजाइम्स, किस तरह से इनकी संरचना होती है, क्या काम आते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये नाम याद रखना है, आणविक कैंचियाँ। ओके, आणविक कैंची है मॉलिक्यूलर, यानी बहुत ही छोटी लेवल की अणु जैसी सीजर्स हैं जो क्या करते हैं, कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एट द स्पेसिफिक, एक विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। और इनको हम इसलिए कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रतिबंधित। प्रतिबंधित यानी एक इनकी एक साइट होती है कुछ पहचानने के लिए, उस साइट पर ही ये कट कर सकते हैं, हर जगह कट नहीं कर सकते, इसलिए प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित उस जगह की विशेषता के कारण उसी जगह काटते हैं। फाउंड नेचुरली इन वाइड वेराइटी ऑफ प्रोकैरियोट, ये भी जैसे हमने अभी प्लाज्मिड पढ़ा था बैक्टीरियम पाए जाते हैं मोस्टली, उसी तरह ये भी प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ए इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मैन्युपुलेटिंग डीएनए, डीएनए को मैन्युपुलेट करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। बायोलॉजिकल रोल क्या है, अब वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं तो हम तो यहाँ पर बायोटेक में यूज़ करते हैं, पर ये प्रोकैरियोट्स में किस लिए पाए जाते हैं, क्या काम है। मोस्ट बैक्टीरिया यूज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज ए डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज, ये आपको याद रखना है कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं ये उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो क्या कार्य करते हैं कि उनको जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करते हैं, जीवाणु भोजी जो वायरसेस होते हैं, तब ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ द फेज बाय क्लीविंग इट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट का क्या मतलब है कि ये विशिष्ट स्थानों पर कट करते हैं फेज के डीएनए को, क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, विदलन करते हैं। द होस्ट डीएनए इज प्रोटेक्टेड बाय मिथाइलेज। अब जब मान लो आप, ये एक चीज़ है इसके अंदर कि जैसे अगर कोई टीए सीक्वेंस आई हो, ओके, बैक्टीरियोफेज में टीए एक कोई सीक्वेंस है, वहाँ पहचान कर ये कट करता है, तो ये सेम सीक्वेंस बैक्टीरिया में खुद भी हो सकती है, बैक्टीरिया के डीएनए में भी कहीं ये सेम सीक्वेंस पाई जा सकती है। तो खुद का डीएनए कट क्यों नहीं करते, वहाँ पर एक मिथाइलेशन की प्रोसेस है कि जहाँ जहाँ वो सेम सीक्वेंस आएगी वहाँ पर CH3 ग्रुप ऐड कर दिया जाता है ताकि ये उसको तोड़ नहीं पाए। तो खुद के डीएनए को ये इस प्रकार मिथाइलेशन प्रोसेस द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये दूसरे के डीएनए को कट कर सकते हैं तो खुद के डीएनए को उसी सीक्वेंस पर क्यों नहीं काट पाते, तो उसका ये आंसर है कि जो खुद का जो डीएनए है वो मिथाइलेशन की प्रोसेस के द्वारा रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। विद इन द रिकॉग्नाइजेशन साइट देयरफॉर मॉडिफाइंग द साइट एंड प्रोटेक्टिंग द डीएनए, यही जो बात हम कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, ओके, आणविक कैंचियाँ इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन से हैं। मॉलिक्यूलर यानी आणविक लेवल, आणविक अणु बहुत छोटा होता है, उस लेवल की जो कैंची कौन सी है तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हिस्ट्री, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाई हिंड, सेकेंड जो था वो आइसोलेट किया गया सबसे पहला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है।
कौन सा सबसे पहले एंजाइम आइसोलेट किया गया था. ही ऑल्सो डन द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यूमेरियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. अभी तक हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ एक नया नाम आया एंडोन्यूक्लिएज. फ्रॉम देन ओवर 3000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन स्टडिंग इन डिटेल. मोर देन 600 ऑफ दीज आर अवेलेबल कॉमर्शियली एंड आर रूटीनली यूज फॉर DNA मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन इन लेबोरेटरीज. 3000 प्रकार के एंजाइम हमने ढूंढ लिए हैं, डिटेल में स्टडी कर लिए हैं, और 600 से अधिक जो एंजाइम है हम लेबोरेटरी के अंदर DNA के मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसेस है एक्शन की. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज स्कैन द लेंथ ऑफ DNA. पूरे DNA को यह देखता है. बाइंड टू द DNA मॉलिक्यूल वेयर रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस. मेक वन कट इन ईच ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स बाई हाइड्रोलाइजिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, स्पेसिफिकली द बॉन्ड बिटवीन थर्ड एटम एंड पी एटम इज ब्रोकन. कैसे ये एक ये इसमें डायग्राम के द्वारा देखिए आप इसको. ये जो डायग्राम है उसमें देखिए यहाँ पर इनके बीच में ये कट लगाता है, ये जो रेड वाला हिस्सा है यहाँ पर. ओके, तो थर्ड एंड है, ये थर्ड एंड है यहाँ पर, और ये पी है जो यहाँ पर ये कट लगाता है. और इस कट के बाद देखिए यहाँ पर एक जगह ये एच जोड़ देता है और इस साइड OH ग्रुप जोड़ देता है, हाइड्रोलाइजेशन जिसको कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए H2O होना ज़रूरी है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है तोड़ने की. ओके, तो इस तरह से यह DNA को तोड़ता है. जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बिल्कुल बीच में कट लगाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है. न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहते हैं इसको. थर्ड OH एंड फिफ्थ PO4 इज प्रोड्यूस्ड. मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है. इट होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द पोजिशन वेयर इट कैन अटैक द फॉस्फोराइल ग्रुप एंड हेल्प पोलराइज द वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड डी प्रोटोनेशन. ओके, तो प्रोटोन डी प्रोटोनेशन, प्रोटोन निकल नहीं जाए, इसके लिए ये सारी प्रोसेस होती है. अब इसमें एक बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है. पैलिंड्रोम सीक्वेंस, हिंदी में भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस ही बोलते हैं इसको. द मिरर लाइक पैलिंड्रोम, मिरर लाइक मीन्स आप जैसे मिरर में दो चीज़ें सेम दिखाई देती हैं, उस तरह का ये सीक्वेंस होता है जिसको किधर से ही पढ़ो सेम. जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए आप, ये सीक्वेंस है. अब आप इसको सीक्वेंस को देख सकते हैं, आप आगे से पीछे से बैक और फॉरवर्ड किसी भी प्रकार से देखें तो इसके अंदर सेम ही रिपीटेशन है. इनको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस. ओके, अगर हम इसके जस्ट बीच में एक लाइन खींच दें तो ये एकदम मिरर लाइक इमेज बन जाती है. द इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम इज ऑल्सो ए सीक्वेंसेस दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड, बट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस आर फाउंड इन कम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स. ओके, अब आपको भी पता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है DNA. DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. ओके, तो जैसे इस तरफ अगर GTA है तो इसका कम्प्लीमेंट्री आपके दूसरी तरफ CATA. ठीक है, इस तरह से कम्प्लीमेंट्री होगा. ओके, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है कि इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स आर मोर कॉमन एंड हैव अ ग्रेटर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देन मिरर लाइक पैलिंड्रोम सीक्वेंस. अच्छा, दो प्रकार के पैलिंड्रोम है, मिरर लाइक तो ये है और ये है इन्वर्टेड. इन्वर्टेड यानी एक दूसरे के जो कम्प्लीमेंट्री होते हैं.
देखिए आप इसमें ये है इन्वर्टेड रिपीट्स जो है, ठीक है, ये मिरर लाइक नहीं है, ठीक है, ये मिरर लाइक नहीं है, ये इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स हैं। और इसके अंदर आप देखिए जी ए ए टी टी सी, और आप इसका कम्प्लीमेंट्री देखिए, इसको इधर से रीड करते हैं सेम है, और इधर से रीड करते हैं तो भी जी ए टी टी सी है। ओके, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कैसे इफ़ेक्टिव है हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट दो तरह से तोड़ सकते हैं, या तो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड को बीच में ब्लंट एंड, ओके, बिल्कुल बीच में दोनों साइड में, या फिर एक होता है स्टिकी एंड, चिपकने वाले सिरे। चिपकने वाले सिरे कैसे, जैसे हमने ये जो डायग्राम है इसके अंदर, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर दोनों को यहाँ बीच में से ब्रेक किया जाता है, दोनों साइड के डीएनए पर यहाँ से ब्रेक किया जाते हैं, तो ये अलग हो जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लंट, ओके। और अगर हम एक सी और टी के बीच में कट मारा जाए, यहाँ पे भी सी और टी के बीच में कट मारा जाए, तो ये जो चीज़ है इस तरह से ये अलग होंगे, और जब भी ये वापस सिरे पास में आएंगे तो टी वापस इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहेगा, पूरक क्रम के साथ फटाक से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इनको कहते हैं चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स। और ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हमें वापस डीएनए को चिपकाना होता है, इसलिए हम ज़्यादातर ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें चिपचिपे सिरे प्रोड्यूस। जो ब्लंट एंड है, सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए एट अपोजिट बेसिस, एकदम आमने सामने, दे लीव ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, और दीज ब्लंट एंडेड फ्रेगमेंट्स कैन बी जॉइंट टू एनी अदर डीएनए फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड, ओके। अब जब इसको जोड़ना पड़ेगा तो ये इतने इफेक्टिवली नहीं जुड़ेंगे। एंजाइम यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये काम आते हैं। स्टिकी एंड, स्टिकी एंड में आपको जैसा एग्जांपल बताया गया कि जैसे जी और ए के बीच में कट लगाया गया, तो इस तरह से ये चिपचिपे सिरे प्रोड्यूस होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट विद कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल विच अलाउ द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओके। ये किस लिए काम आता है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं जिसके चिपचिपे सिरे हों, सेम दूसरा डीएनए हमें मिक्स करना है, तो ये चिपचिपे सिरे वाला ये इजीली इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये जो स्टिकी एंड्स वाला डीएनए है इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे कि किस तरह से एक्जोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की अलग अलग डेफिनेशन है, क्या इनका यूज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।